नमस्कार, आप देख रहे हैं ई सेवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बाढ़ के पंचमहला थाना के द्वारा एक अपराधी को एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। बख्तियारपुर के सालिमपुर में ऑपरेशन होम डिलीवरी में पुलिस को सफलता मिली है। दो होम डिलीवरी करने वाला लड़का 7 बोतल विदेशी शराब के साथ बख्तियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अथमलगोला अंचल अधिकारी पंकज कुमार ने लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जागरूक किया। होली पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिए अथमलगोला थाने में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। तेजस्वी तेज प्रताप पर दो थाने में FIR, RJD की विधानसभा मार्च और पुलिस पर पथराव मामला, जगदानंद सिंह समेत 3500 कार्यकर्ताओं पर केस, एक FIR कोतवाली में तो दूसरी FIR गांधी मैदान थाना में दर्ज कराई गई है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक पर भी FIR। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्ना द्रमुक के राज्यसभा सदस्य ए मोहम्मद जान नहीं रहे। वह 72 वर्ष के थे। उनके रिश्तेदार ने बताया कि बेचैनी महसूस होने पर सांसद को रानीपेट जिले के वाजलापेट सामान्य अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर का बयान, कर्नाटक में नहीं है COVID-19 टीके की कमी। विज्ञप्ति के अनुसार मंत्री ने चिकबलपुरा में संवाददाताओं से कहा कि उससे पहले विमान से 4 लाख खुराक भेजी जाएंगी। उनका कहना था कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि टीके की कमी ना हो। अदालत ने न्यायमूर्ति कर्णन को जमानत प्रदान की। महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी करने और न्यायाधीशों के खिलाफ बोलने के आरोप में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार विवादास्पद पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति CS कर्णन को मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ 10 से अधिक मामले लंबित हैं। कर्नाटक रुपए चोरी के आरोप में 10 साल के बच्चे से बेरहमी से की पिटाई, पीठ पर भारी पत्थर बांधकर चलवाया, अधमरी हालत में बच्चे को फेंक दिया गया। घटना के 6 दिन तक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा और आखिर में उसकी मौत हो गई। कर्नाटक सरकार आरक्षण सीमा बढ़ाने के संबंध में न्यायालय में अपना जवाब दायर करेगी। मार्च में कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अभिवेदन देने का सोमवार को फैसला किया कि आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य बदल गया है और पिछड़े वर्ग की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। भाजपा नेता ने शिवराज के मिनिस्टर को बताया चोर। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम अलीबाबा 40 चोर गैंग में गिनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि वह डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम ले रहे थे, भूलवश मेरा नाम ले लिया। 6 साल की बेटी ने माँ पर दर्ज कराई FIR, बच्ची को रोज पीटती थी। चाइल्ड लाइन की टीम पे समझाने पर भी नहीं मानी। शरीर पर जख्मों के निशान। टीम ने बच्ची को आश्रम में लाने के बाद भी माँ से संपर्क कर उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। इसके बाद पुलिस में केस दर्ज करवाया गया। 450 सिलेंडर भरे ट्रक पर बिजली गिरी। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2.5 घंटे तक हुए धमाके। 15 घंटे से हाईवे बंद। 1 किलोमीटर दूर तक गए सिलेंडर के टुकड़े। इस हादसे के करीब 15 घंटे बाद भी NH-52 बंद है। बुधवार सुबह कोटा, अजमेर और जयपुर जाने वाले यात्रियों को पहले ही रोक दिया गया। इन्हें डाइवर्ट कर जहाजपुर होते हुए बसोली मोड़ से निकाला गया। बॉलीवुड में वैक्सीनेशन। एक्टर संजय दत्त ने मंगलवार को COVID-19 वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। इस बात की जानकारी 61 साल के संजय ने खुद सोशल मीडिया पर वैक्सीन लगवाते हुए अपनी फोटो शेयर कर फैंस को दी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद भी किया है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, आज का दिन मध्य प्रदेश के नाम। भोपाल के दो शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप और चिंकी यादव ने गोल्ड जीता। संजीव राजपूत 6 स्थान पर रहे। ऐश्वर्य ने मेज 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड जीता। यह वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल्ड मेडल है। फटाफट में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें ई7 न्यूज। नमस्कार।